बिग बैश लीग फ्रेंचाइजी सिंडी थंडर्स ने अपने गेंदबाजी आक्रमण में सुधार के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाज उस्मान कादिर को अनुबंधित किया है। वो मुख्य रूप से तनवीर संघा की जगह लेंगे, जो अपनी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण इस सीजन से बाहर है। कादिर थंडर के चौथे विदेशी खिलाड़ी है, जो एलेक्स हेल, रिले रोसोव और फजलहक फारूकी के साथ एक ऐसे दल में शामिल है जो 11 में से 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतार सकता है। फारूकी अफगानिस्तान का एक तेज पिचर, हाल ही में डेविड विली के बाद हस्ताक्षर किया गया था। इस साल की शुरुआत में विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के अलावा थंडर के प्लेटिनम ने अपने अनुबंध से इस्तीफा दे दिया था। उनका स्कॉचेस रिकॉर्ड मामूली था, जिसमें 7 मैचों में 6 विकेट और 8.45 की बचत दर थी। वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए रिजर्व के तौर पर खेले थे। उस्मान हमारे साथ बहुत अनुभव के साथ जुड़ा है, उसने पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है और दुनिया भर में T20 लीग में खेला है। महत्वपूर्ण रूप से उसे ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर्स लीग के लिए खेल चुका है, इसलिए जानता है कि क्या उम्मीद करनी है। ESPN क्रिकइंफो द्वारा उद्धृत सिडनी थंडर के प्रमुख एंड्रू गिलक्रिस्ट ने कहा, कादिर के पिता अब्दुल, जिनका 2019 में निधन हो गया था, को हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।